हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि टेस्ट आप लोग देते हैं, आज क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमाकर आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना देरी के कॉपी पेन उठा लें और देखते जाएं कि कौन सा आंसर जो है वो आप सही कर रहे हैं और कौन सा आपका गलत हुआ है। लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कि कितने आपके सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन वन देखिए, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व शब्द ग्रहण किए गए हैं। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द जो है वो ग्रहण किए गए हैं। हमने कहां से किए हैं? जापान, फ्रांस, ब्रिटेन या यूएसए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों ने लगा लिया है। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टू, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास या आर्थिक? उद्देशिका, जो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो लेकर आए थे, उद्देशिका जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, तो उसमें किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यहां पर जो आंसर रहेगा कि विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है और विश्वास की भी। आर्थिक स्वतंत्रता जो है वह है? नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थ्री, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? अंतिम सत्ता जनता में निहित है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है या शासन में जनता की सहभागिता है? तो चारों ऑप्शन ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमें यहाँ देखना है भारत एक गणतंत्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष है। और यदि यहाँ पर होता भारत एक लोकतंत्र है, ठीक है, तब आपका आंसर जो है वो अंतिम सत्ता जनता में निहित है, शासन में जनता की सहभागिता है, ऐसे जो आंसर है वो आपके सही होते। ठीक है, तो यहाँ पर भारत एक गणतंत्र है, तो भारत, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वह सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता या अखंडता? तो ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से जो बाद में जोड़ा गया प्रस्तावना के अंतर्गत, और तीन शब्द जो है वो पहले से ही मौजूद 1975 में थे, सन 1975 तक जोड़े गए थे। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? बिल्कुल बाद में तीन शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक शब्द था अखंडता। ठीक है, ये 42वीं संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो आंसर जो है डी सही होगा। पॉस्को अधिनियम 2012 ईस्वी द्वारा बालकों को किस आयु में सम्मिलित माना गया है? 12 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या 13 वर्ष से कम? तो यहां पर जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष से कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स, संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950? तो आंसर जो है वो क्या रहेगा? आंसर जो राइट रहेगा वो बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा, 26 नवंबर 1949। या आंशिक रूप से लागू जो है, अगर ये शब्द लिखा होता तब भी आपका आंसर सही होता, और पूर्ण रूप से लागू जो है वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सोचिए इन चारों में से सही उत्तर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या रहेगा, क्योंकि कुछ शब्द जो हैं वो संविधान की जो प्रस्तावना में है बाद में जोड़े गए, हमारे संविधान में संशोधन जो है वो संभव है। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर, तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सबका ही सही है ये तो, कि भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, भाग 1 राज्यों का संघ, भाग 2 जो है नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है और भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9, मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं या कठोर है। तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, कि मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं या कठोर है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर क्या रहेगा, कि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, वाद योग्य है, यानी कि परिवर्तनीय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन पर प्रारंभिक कार्रवाई का क्षेत्राधिकार है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन पर प्रारंभिक कार्रवाई का क्षेत्राधिकार जो है वह जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो अधिकार है वह क्या रहेगा सही आंसर, आप लोग लगाइए पहले, फिर मैं आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताऊंगी। यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिला न्यायालय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, 7, 6, 5 और 8। देखिए शब्द शुद्धि के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो बी ऑप्शन है 6, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इसमें 6 और यहाँ पर आएगा ह, 6, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, 7, 6, 5 या 8। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6। सातवां जो है वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, जो कि यहां से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 46वां संविधान संशोधन 2002 या 101वां संविधान संशोधन 2016। तो आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, आते रहे हैं और ऐसे ही आने वाले भी हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कि सातवां जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो यह जो किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल वो सही है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, अगर ये भी पूछा जाए कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो आप करेंगे कि 104वां संविधान संशोधन जो है वो लास्ट में हुआ था। ठीक है, वह संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन।
तीन संविधान संशोधन जो है वो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, ये तीनों संविधान संशोधन जो है वो आप लोग याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा क्वेश्चन 13 का वो है 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 14, पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे? तो समानता का जो अधिकार है उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इतने समय में न्यायाधीश के समक्ष जो है वह व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा यदि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे? तो ये चीज जो है वो आप लोगों को पता होगी। यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा? भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, ये जो लिखा होता है हमारी प्रस्तावना में, उद्देशिका में, तो वहां पर ये चीज भी बिल्कुल लिखी हुई है कि इसे अंगीकृत किया गया है संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा या संविधान सभा द्वारा। तो आंसर है कि संविधान सभा जो है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 233 में, 214 में, 231 में या अनुच्छेद 213 में? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जिला शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमने ये नहीं पढ़ा या हमको ये नहीं करवाया गया। ठीक है, सब कुछ आपको करवा चुके हैं। आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 233। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अधिकार जो है वह आपका आपातकाल में भी निरस्त नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर रहेगा, आप लोगों ने लगाया होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों ही ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल में भी निरस्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है? तो इसका आंसर तो मैंने ही आपको बता दिया, अनुच्छेद 14, 16, अनुच्छेद 20, 21, अनुच्छेद 23, 24 और बिल्कुल आपको अभी बताया अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने ही आपको बता दिया। अब 19 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका, कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद कौन सा है जिसमें कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है? तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों ने लगाया अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त दोनों या संसद? तो यहां पर देखिए आंसर क्या रहेगा, अच्छे से आप लोगों ने याद किया होगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वह है
सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उपरोक्त दोनों है या संसद है। तो यहां पर रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को, 25 मार्च को, 25 सितंबर को या 25 जनवरी को? तो क्वेश्चन 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, कानूनी अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है? तो हमने अभी तक दो क्वेश्चन तो इससे ही रिलेटेड कर लिए हैं बिल्कुल अच्छे से ही, अब तो इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार ये पहले था लेकिन अब क्या है? यह एक कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 226? तो हमने अभी क्वेश्चन में ही देखा था कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो हमारी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों है। ठीक है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, वो किस अनुच्छेद के तहत जो है वह हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक करता है? तो क्वेश्चन 23 का आंसर जो है वो आगे लगाइए कि किसका सही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। ठीक है। और अगर उच्च न्यायालय पूछता तो अनुच्छेद 226 आंसर सही होता। निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी, भारत की प्रभुत्वता बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कई बच्चे बोलते हैं कि मैम जो है वो बीच में कमेंट नहीं करते हैं, आंसर नहीं देते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ क्वेश्चन चल रहे हैं, उनके ऑप्शन जो हैं वो ध्यान से बताने होते हैं, थोड़ा सा कई बार एक्सप्लेन भी करना होता है। तो कमेंट पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ, बाद में देती हूँ। जैसे ही आपका वीडियो जो है वो पूरा हो जाता है तो मैं आप लोगों को जिनके लिए जरूरी है बताने वाली बात वो मैं उनको जरूर बताती हूँ। ठीक है। कभी इग्नोर नहीं करती हूँ। आप लोग ही हैं जो यहाँ हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिससे कि मुझसे जुड़े हुए हैं आप लोग, तो मेरा दायित्व बनता है कि यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है तो वो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताती हूँ। ठीक है। तो यहाँ सही आंसर जो है वो क्या रहेगा? भारत की प्रभुत्वता बनाए रखने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभु, ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा से आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक, विचार, विश्वास या अभिव्यक्ति? तो ये क्वेश्चन भी जो है वो रिपीट हो गया है, थोड़ा सा कंप्यूटर वाले सर ने आज थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, दो क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 26 का आंसर जो है वो वही आर्थिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल कानून का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं या 12वीं? तो हमारे संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं जिसमें दल बदल कानून का संबंध जो है वो किस अनुसूची से है? तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो आप लोगों ने लगाया है और देखिए राइट आंसर जो है यही है, बी ऑप्शन, 10वीं। ठीक है। याद रख सकते हैं बहुत आसानी से कि दल बदल में द से स्टार्ट होता है और द से ही 10। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? ये हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं या ब्रिटेन से लिए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमने संविधान के अंदर कहां से लिए हैं?
इसका जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा? उत्तर रहेगा इसका, हमने लिए हैं ये आयरलैंड से, ठीक है। नीति निर्देशक संबंधी सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं है, राज्य को प्राप्त अधिकार है या इनमें से कोई नहीं? तो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा था कि जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है, ठीक है। संशोधन जो है वो संभव है, हमें पता भी है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक संबंधी सिद्धांत हैं वो क्या हैं? वो अपरिवर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है। या फिर लिखा होता अवाद योग्य है, या लिखा होता कि राज्य के लिए क्या है? निर्देश है। तो यही इसका सिद्धांत है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? भाग 3, भाग 4, भाग 8 या भाग 2? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर जो है वो क्या रहेगा? बिल्कुल आंसर रहेगा भाग 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31। भारत के संविधान की अनुच्छेद 40 का संबंध है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, निशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज या पर्यावरण संरक्षण। तो संविधान के अनुच्छेद 40 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व इससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 जो है वो क्या कहता है? सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, निशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज या पर्यावरण संरक्षण। तो बिल्कुल संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो क्या कहता है? यह पंचायती राज से संबंधित है। जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक या पुलिस निरीक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपने लगाया है, इसका सही आंसर जो है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का, पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। समान न्याय और निशुल्क सहायता से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 48 क या अनुच्छेद 51 क। तो समान न्याय और निशुल्क सहायता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो बिल्कुल यहाँ राइट आंसर जो है वो रहेगा अनुच्छेद 39 क, ठीक है। क का अर्थ ही क्या होता है कि ये बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 34। निम्न में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास या निःशुल्क विधिक सहायता। एग्जाम में भी यही होता है हमारे साथ कि हमें सभी ऑप्शन जो है वो राइट लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर देखिए क्या रहेगा कि नागरिकों के लिए निर्वाह मजदूरी यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, ठीक है। लाइनें आप लोग याद रखिएगा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, निःशुल्क विधिक सहायता, ये तीनों ही शामिल हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने
32 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन जो हैं वो क्या थे, रिपीट हो गए थे। तो चलिए आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं, आपको क्वेश्चन जो है वो टफ लगे या इजी लगे, ये भी आप लोगों को बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।